देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं आपकी एंकर शिप्रा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक तरफ हम बात करते हैं पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, लेकिन यह सिर्फ एक लाइन बोलने से कुछ नहीं होने वाला, सच्चाई बिल्कुल नहीं बदलने वाली। आज हम बात करेंगे पंजाब के मत्तेवाड़ा जंगलों के बारे में, जहाँ पे जंगलों को काट काट के इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बनाने की बातें आए दिन हम सुनने को देख रहे हैं। लेकिन आपको क्या पता है, क्या सर्वे में आपने कभी जानने की कोशिश की है कि हमारे भारत में 1.67 मिलियन डेथ्स रिपोर्ट की जाती हैं हर साल, जिसमें हार्ट अटैक्स, लंग कैंसर की प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। लेकिन अब यहाँ पे पंजाब के कुछ लोगों ने मुहिम छेड़ दी है मत्तेवाड़ा जंगलों को बचाने की, और उसका हिस्सा बने हैं हमारे योगराज सिंह जी, जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है जिनको साथ लेकर वो मत्तेवाड़ा जंगलों को बचाने में लगे हुए हैं। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। हाँ जी सर, सत श्री अकाल सर। सर क्या कहना चाहेंगे, एक बहुत ही अहम सवाल है ये कि मत्तेवाड़ा जंगल, जहाँ पे लोग पहले घूमने जाते थे, सतलुज दरिया है वहाँ पे, लोग बहुत एक कहते हैं ना कि अपनी फैमिली को लेके एंजॉय करने जाते थे, पिकनिक स्पॉट माना जाता था, लेकिन आज वहाँ पे लोग जाने से भी डरते हैं क्योंकि वहाँ पे एक दहशत है। कहते हैं वहाँ पे चोरी चकारी का डर बहुत है, लोग जाने से डरते हैं, और जंगलों की कटाई के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब आप जुड़ चुके हैं, उसका हिस्सा बन चुके हैं, उस जंगल को बचाने को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? विंस्टन चर्चिल ने एक स्पीच में माउंटबेटन को लिखा कि एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान में जब पानी एयर टैक्स कर दी जाएगी, इस देश का वो हाल होगा। कभी कभी जब वो स्पीच सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, और जो अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए गए हैं हम लोगों के लिए, तो मुझे बहुत शर्म आती है। मत्तेवाड़ा जंगल की आपने बात करी, अभी पीछे मैं और गुरजीत संघेड़ा जी ने एक मीटिंग रखी थी, बड़े मुआज़िब लोग लुधियाना के, जिनके कुछ नाम मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये कमेटी मेम्बर्स हैं, B.S. शाह हैं, डॉक्टर हैं, कर्नल H.S. कालो हैं, कर्नल लखनपाल है, DGP रिटायर गुरदर्शन सिंह जी हैं, जसकीरत सिंह जी हैं, डॉक्टर अमनदीप हैं, डॉक्टर कपिल अरोड़ा है, कुलदीप सिंह हैं, और खुद गुरजीत सिंह संघेड़ा हैं, और रंजोत सिंह जी हैं, इनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मैंने लोगों के नाम इसलिए पढ़े हैं कि ये वो लोग हैं जो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं लुधियाना में, जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं या अभी डॉक्टर्स हैं, या जो लोग बड़े बड़े अहदे पे बैठे हैं, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, इन्होंने ये मुहिम छेड़ी हुई है कि वहाँ पे हम उस पे फैक्ट्रियाँ लगने नहीं देंगे। अगर आप वहाँ पे गई हों तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी ज़मीनें जो हैं गवर्नमेंट ने इंक्वायर करी हुई है, और वहाँ पे काम भी चल रहा है कि हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे। आप सतलुज का पानी कभी देखना, सतलुज का दरिया, उसमें काला पानी इतना गिरता है वहाँ पे, और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये पानी तो है, ये तो बिल्कुल एक तरह का कैंसर है, और अब आप वहाँ पे फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। कहाँ हमारे गैस सिलेंडर्स की इतनी कमी है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी कहा कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यहाँ एयर भी टैक्स होगा, शायद एक दिन ऐसा टाइम आ जाएगा अगर हमने नहीं संभाला तो आप और मेरे पीछे ना वो गैस के सिलेंडर लगे होंगे, या मास्क लगा होगा, हम लोग घूम रहे होंगे। और अगर एग्जांपल मैं जंगलों की करूं तो मैंने कहा था कि अगर पंजाब में एक एक आदमी भी पेड़ लगाए, बच्चा, माँ बाप, बहन भाई, छोटे बड़े, तो 3 करोड़ यहाँ पे हम जो है पौधे लगा सकते हैं, और वो पौधे जो हैं वो एक दिन जंगल बन सकते हैं। और आप देखिए, पता नहीं कैसी गवर्नमेंट है, मेरे को समझ में नहीं आता, जिम कॉर्बेट पार्क है और वहाँ कितना ब्यूटीफुल जंगल उन्होंने संभाल के रखा है, वहाँ से गवर्नमेंट को इनकम भी होती है, और वो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स भी है, और एक उस आदमी का है जो मेरे पिताजी जिम कॉर्बेट इकट्ठे शिकार खेला करते थे। तो हम लोग, हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता कि आने वाला ये जो पेड़ हैं, ये हमारी ऑक्सीजन है, जितने हम पेड़ लगाएंगे, आप बाहर जाके देखिए कि अगर आपने घर बनाने के लिए एक पेड़ काटा है या 2 पेड़ काटे हैं तो आपको 10 पेड़ लगाने पड़ते हैं। सो ये चीज़ें मैं इसलिए कंसर्न हूँ कि आने वाले टाइम में, जैसे आपने अभी कहा 1.6 मिलियन डेथ्स हो रही हैं लंग्स कैंसर, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें के लिए ये तो बढ़ती जाएगी। और फिर मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं, क्या जनरेशन। आप देखिए बेटा,
मुझे बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो लोग जेनेटिकली हम इतने वीक होते जा रहे हैं, 40 साल वाले को हार्ट अटैक हो गया, 30 साल वाले को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया, पंजाब में 80% कैंसर से हम लोग जूझ रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? मैं तो हैरान हूँ कि पढ़े लिखे लोग हैं गवर्नमेंट में, इनको ज़िंदगी में क्या हो गया कि इनको यही नहीं पता कि हमने हमको कैसे जो है अपना जो पूरा परिवर्तन है या हमारी जो एयर है या हमारी जो पोल्यूशन है इसको कैसे कंट्रोल करना है। वैसे आप देखो इतनी फैक्ट्रियाँ लग रखी हैं और वो कितनी पोल्यूशन है, लुधियाना में देखो, जलंधर में देखो, अमृतसर में देखो। पर मैं समझता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट आपने ये महम उठाया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और वो मत्तीवाड़ा जो जंगल है वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं बेशक कुछ भी हो जाए हम इनकी फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। और बहुत जगह है, आप वहाँ जा सकते हो जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक मार्केटिंग कर रखी है कि यहाँ पे आप फैक्ट्रियाँ लगाओ। तो हमको एक 3/4 जो जगह है पंजाब की बचा के रखनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे इंसानियत रह जाए। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा शायद आपको यहाँ पे कोई आदमी दिखेगा ही नहीं, आपको यह बच्चा कुछ दिखेगा ही नहीं। आप देखोगे सड़कों के ऊपर ये सब जानवर लोग, और जानवर भी कहाँ जाएँ बेचारे? अगर आप मत्तीवाड़ा जंगल के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? सब लोग मर जाएंगे। सो मैं समझता हूँ कि ये जो सरकारें हैं ये कातिल हैं कि ये सेवियर हैं, क्या है मुझे समझ नहीं आती। लेकिन इस चीज़ पे बहुत गौर करने वाली बात है कि हमको आने वाले वक्त में अपने जंगल बचाने होंगे और बहुत सारे पौधे लगाने होंगे। बिकॉज शुरुआत में आपने एक बात कही कि आने वाले वक्त पे, बिल्कुल आपने सही कहा कि आने वाले वक्त में हमें सांसें भी खरीदनी पड़ेंगी। बिल्कुल आज यही सच हमारे सामने है कि सांसें भी खरीदनी पड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डेथ रेट बढ़ता चला जा रहा है, डायबिटिक्स हो रहे हैं लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आए दिन जब डेथ होती है तो फैमिली मेम्बर्स को या ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन को समझ भी नहीं आ पाता कि हमारे फैमिली मेम्बर की डेथ किस रीज़न से हुई है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एयर पॉल्यूशन। लेकिन इसको समझने को कोई भी तैयार नहीं है। तो आपने जैसे मुहिम छेड़ी है, आपको लगता है आपके साथ आने वाले वक्त पे लोग जुड़ते चले जाएंगे और मत्तीवाड़ा जंगलों को हम बचा सकते हैं? मैंने इस ग्रीन प्लांटेशन के साथ साथ स्कूलों में स्पोर्ट्स कंपलसरी करने का भी महम छेड़ी है, जो कि हमारे सब लोग में इकट्ठे हैं। कल हम संगरूर जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्कूलों के जो पेड़ पौधे उन्होंने बना ला रखे हैं वो भी लगाएंगे जाके। और मेरी पहली शर्त ये होती है कि मैं उस फंक्शन में जाऊँगा जिस फंक्शन में आप एटलीस्ट 150-200 पौधा लगाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सब लोग जागृत हो जाएँ, पंजाब के लोग और सरकारें भी साथ दें, तो आने वाले टाइम में जो है वो पंजाब में मेरा ख्याल अगर 3/4 नहीं तो अगर हाफ भी जंगल पैदा कर लें तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी तरह से सांस ले सकेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन बहुत तंदुरुस्त होगी। और ये जो पानी का मसला है, अगर आप देखो बठिंडा में कैंसर ट्रेन जाती है, कहीं भी चले जाओ हॉस्पिटल में चले जाओ तो 90% लोग आपको कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए कि हम ये महम को कामयाब करें और आगे लेके चलें। बिल्कुल सर, जाते जाते एक अखीरला सवाल हमसे यही पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ के लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि जिस मुहिम के साथ आप जुड़ चुके हैं तो ये बहुत एक अच्छी मुहिम है जिससे हम अपने आने वाली जनरेशन को बचा सकते हैं? देखिए, बच्चा वही सीखता है जो आप उसको सिखाओगे। मैं समझता हूँ स्कूल कॉलेजेस में, कल जाके मैं लेक्चर्स करने वाला हूँ हर स्कूल में, आधा आधा पौना पौना एक एक घंटा बोलूँगा और उनको बताऊँगा कि जीवन का मकसद क्या है, जीवन कैसे जिया जाता है, सांस लेने से जीवन चलता है और जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो मैं समझता हूँ बात करने से, क्योंकि जब ये जागृति स्कूल के बच्चों में आ जाएगी ना तो मैं समझता हूँ बड़ों में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो मैं उन बच्चों को खेल के साथ साथ और उन बच्चों को प्लांटेशन जंगलों के साथ साथ इनकी कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन कौन से प्लांट्स हमको लगाने चाहिए और किस तरह का हमको वातावरण पैदा करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहूँगा, पता नहीं मेरी बात को पॉजिटिव कोई ले तो बड़ा अच्छी बात है कि हमको ये तो पता है कि इस देश में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, हम बहुत ओवर पॉपुलेटेड हैं। अगर हिंदुस्तान में सिर्फ 10 करोड़ आदमी होते तो हर आदमी करोड़पति अरबपति होता। अगर हिंदुस्तान को बचाना है आने वाले टाइम में तो एक महम और छेड़नी पड़ेगी और वो बिल सरकार ही पास कर सकती है, वन फैमिली वन चाइल्ड। अगर हमने ये ना किया तो मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान आंसू में डूब जाएगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ मिस्टर योगराज सिंह जी, जिन्होंने अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलकर एक मुहिम छेड़ी है कि मत्तीवाड़ा के जंगलों को किस तरीके से हम बचा सकते हैं ताकि हम आने वाली जनरेशन को कई तरीके की बीमारियों से बचा के रख सकें। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।